आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम लोग जो मेन मुद्दा है, जो कल जो भी घटना हुआ है, यस्टरडे जो पब्लिक लोग ने, जो नॉन एपीएसटी पब्लिक लोग ने ये आपका शटर डाउन किया है, कल कैपिटल ट्विन कैपिटल सिटी को होस्टेज बनाया है, फॉर सेवरल आवर्स के लिए बंद कराया है, एंड देन ये क्या बोलता है, एंटी अरुणाचली स्लोगन्स भी लगाया कहीं पे, और कहीं कहीं में जो स्लोगन्स था और जो फेसबुक में जो सर्कुलेट हो रहा है मीडिया में, सोशल मीडिया में, विच इज़ वेरी मच मतलब कम्युनल कलर में जा रहा है चीज़, जो तो हम लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आदमी का लाइफ गया यहाँ पे, जान किसी का, तो हम लोग उसके लिए भी डीपली कंडोलेंस मैसेज हम लोग आंसू का तरफ से भी देता है कि ये घटना नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमारा स्टेट में मॉब लिंचिंग या इस तरह का घटना बहुत ही रेयर, मतलब आज तक हुआ नहीं शायद, मेरा ख्याल से शायद बहुत ही, मतलब जिसको हम लोग आदमी स्पेशली अरुणाचली लोग ये सब मेंटलिटी रखता भी नहीं कि किसी को मारना या वो करना है, पर्सनल लेवल में कुछ होता है, इंसिडेंट होता है, दैट इज़ वो अलग चीज़ है, लेकिन क्राउड या मॉब लिंचिंग होना, ये हम लोग का इसमें वो मेंटलिटी के साथ में हम लोग अरुणाचली तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो और सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले बात है कि कल जो पुलिस ने इमीडिएट अरेस्ट किया है, जो भी कल्प्रित है, जो भी जिसने भी ये किसी का एक प्रीसियस लाइफ जिसने लिया है, उनको तो इमीडिएट पुलिस ने विद इन नो आवर्स में अरेस्ट भी कर लिया है, और वो शायद पुलिस अपना कोर्स कर रहा है, क्या बोलता है, आपका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और ये जो कानून अपना काम कर रहा है, तो अरेस्ट भी हो गया, सब कुछ हो गया, फिर ये प्रोसेसन जाना, ये आउट ऑफ हम लोग का नॉलेज का बाहर हो गया, तो आदमी का इमोशंस और सेंटिमेंट्स को वी रेस्पेक्ट, वी विद ड्यू रेस्पेक्ट, लेकिन हमारा स्टेट में भी, हम लोग का स्टेट में भी, यहाँ में हम लोग पीस लिविंग स्टेट है, इसलिए यहाँ पे ये जो कल घटना किया है, इन्होंने जो शटर डाउन कराया है और इतना सारा मॉब को गैदर करके अननोन पर्सन ने जो लीड किया है, विच इज़ हम लोग कंडेम करता है, और इसको इमीडिएट अरेस्ट करना है बोल के हम लोग का तरफ से एक, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को और पुलिस डिपार्टमेंट को हम लोग का तरफ से एक मेमोरेंडम हम लोग देगा, क्योंकि ये जो क्या है, ये घटना जो बहुत ही गलत है, और ये हेट्रेड स्पीच जो है स्पेशली, ये तो मतलब ये हम लोग का फितरत में नहीं है, और ये मतलब एक रॉन्ग मैसेज दे रहा है, और आज जैसे कि मान के चलिए हम लोग का तरफ से तो ये भी बोलेगा, पुलिस को यही बोलेगा कि ये जो आदमी लोग काफ़ी सारा नाम जो है सोशल मीडिया में ये सर्कुलेट का किया गया है, वीडियोस अपलोड किया गया, जिन्होंने कम्युनल जो क्या बोलता है आपका, उसको कम्युनल कलर देने की कोशिश किया है, तो इसी को लेते हुए हम लोग वही बोलेगा कि कल कुछ भी अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है एनी अरुणाचली रिसाइडिंग आउट ऑफ अरुणाचल इन एनी पार्ट ऑफ दिस कंट्री, उनके साथ में कुछ भी घटना होता है बोलने से, दिस पर्सन जिसने भी ये मॉब को ये लीड किया है, एंड देन जिसने भी ये फेसबुक में ये अपलोड किया, दिस पर्सन शुड बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट। इनरलाइन पास है, इनरलाइन पास में भी काफ़ी सुधार लेके आने के लिए है, गवर्नमेंट इसका ऊपर में भी स्टेप्स लेना है, इसको कुछ कुछ कंडीशंस देना है, अभी जैसे नॉर्मली जो इनरलाइन पास अलाउ किया जाता है तो उसमें जस्ट उसका ये जो बायोडाटा होता है, एड्रेस होता है, बट पहले जो ट्रेन ये आपका ILP इशू होता था उसमें शायद टर्म्स एंड कंडीशंस भी जोड़ा जाता था ILP में, कि विद दिस टर्म्स एंड कंडीशंस आप अरुणाचल स्टेट में घुस सकता है, और आप यहाँ जब घुसता है तो आपका स्टे इतना दिन का होगा, या ये आप ड्यूरिंग योर स्टे इन अरुणाचल यू कैन नॉट इंडल्ज इन दिस, ये जो कुछ कुछ ये मतलब एंटी जो ये नेशन इशू या एंटी सोशल या एंटी मतलब वो स्टेट का इंटरेस्ट में, मतलब अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट में नहीं कर सकता है, तो इसको भी ILP जब इशू करता है, मेरा ख्याल से गवर्नमेंट इसको थोड़ा ध्यान देके उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी है, जब आप इशू करता है बाहर से जो यहाँ आता है वे वेलकम करता है उनको, यहाँ आता है बिजनेस करता है, यहाँ जब शुरुआत ये बाहर से जब प्लेन से आदमी लोग आने शुरू किया, नॉन APST जो भी आया है वो हमारा पहले तो गुरु बन के आया, हमको टीचर मेरा टीचर बना, हमको पढ़ाया लिखाया, नॉलेज दिया है, वो हम लोग का उनके लिए रेस्पेक्ट हमेशा रहेगा, और आज भी आता है टीचर बनता है, कोई बिजनेस करता है, कुछ भी एनी कोई भी डिसिप्लिन में या कोई भी बिजनेस में या कोई भी सेक्टर में वो लोग आके यहाँ में काम करता है, वी रेस्पेक्ट देम, और हम लोग चाहते हैं कि वो लोग आओ यहाँ काम करो,
और हम लोग मिल के रहेगा, क्योंकि ये हम लोग का एक सेकुलर मतलब नेशन है, ये फैब्रिक सेकुलर फैब्रिक में वो बिलीव करता है, तो इसीलिए जब आता है वी रेस्पेक्ट देम। लेकिन प्रोवाइडेड जब आप ILP इशू करता है उसमें एक कंडीशंस होना पड़ेगा, क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि आप यहाँ का जो स्टे है या उसका जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस, जैसे कि जो जिला या जहाँ से भी डिस्ट्रिक्ट से या एरिया से सर्कल से जहाँ से भी जो बिलोंग करता है, जब ILP आप मतलब अप्लाई करता है, इन दैट पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली गवर्नमेंट मतलब ये मेंशन करना पड़ेगा, पुलिस ये मांगना वेरिफिकेशन के लिए ये मांगना पड़ेगा कि द पर्सन हु इज़ सीकिंग फॉर ILP तो एंटर अरुणाचल, ही शुड क्लियरली उसको ये उनका पास में पुलिस का वेरिफिकेशन ये होना पड़ेगा कि दैट पर्सन शुड बी नॉट इन्वॉल्व इन मॉब लिंचिंग, पहले बात, क्योंकि मॉब लिंचिंग पूरा इंडिया में चल रहा है आज का डेट में। दूसरा है वो रेप का केस में इन्वॉल्व नहीं होना, वो आदमी जो कहीं रेप से इस ये केसेस में इन्वॉल्व वाला नहीं होना, क्योंकि क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है पता नहीं, पुलिस लोग वेरीफाई करता है नहीं करता है जब इशू करता है ILP को ना। और दूसरा तीसरा है वो ये क्या बोलता है आपका ड्रग्स जो है, ड्रग्स पेडलर नहीं होना है, ड्रग्स का इन्फ्लुएंस में होने वाला आदमी नहीं होना है, मेडिकल का तरफ से भी अगर ये रिपोर्ट अगर लेके आ सकता है बोल से वेल एंड गुड, क्योंकि ड्रग्स भी बहुत घुस चुका है हम लोग का स्टेट में। तो जब ILP जब इशू करता है तो गवर्नमेंट क्लियरली इशूइंग अथॉरिटी लोग ये तीन चीज़ को डिमांड करना है, जो भी इनरलाइन परमिट के लिए अप्लाई करता है, तो इसीलिए हम लोग चाहता है कि जैसे हम लोग निशी लोग हो गया या कोई भी अरुणाचल का कम्युनिटी है, वी हैव एक डेजिग्नेटेड हम लोग के पास में लैंड है जहाँ पे हम लोग पूजा सेलिब्रेट करता है। तो कल हम गवर्नमेंट से ये अपील करेगा कि ये जितना बाहर से जो पूजा वूजा हम लोग जैसे दुर्गा पूजा हो गया, बहुत सारा पूजा है, इसका अलग 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 जगह में अलग अलग लोकेशन में सब कुछ नाहरलगन में 3-4 जगह में सेलिब्रेट करते हैं, तो ट्रैफिक कंजक्शन होता है, लास्ट में ऊपर से पूजा का नाम में पूरा अल्कोहल में पूरा नशा में रहता है मैक्सिमम जितना पूजा समय में मतलब ना, जिस कारण से ये सब घटना भी होता है, एक्सीडेंट होता है, ट्रैफिक कंजक्शन होता है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इश्यू होता है। इसलिए गवर्नमेंट लोग इसका ऊपर में सोच के एक प्रॉपर एक डेजिग्नेटेड ये एरिया अगर मार्क कर देता है, सपोज नाहरलगन के लिए एक एरिया में पूजा के लिए वो कर देता है तो वेल एंड गुड, ताकि सभी आम जनता जितना भी यहाँ पे जो डेली यूजर्स लोग है, ट्रैफिक को बोलो, रोड को बोलो, कम्युनिकेशन को बोलो, मार्केट को बोलो, मतलब एक कन्वीनियंट होगा। तो ANSU स्ट्रिक्टली स्टैंड अगेंस्ट दिस। हम लोग यहाँ में पीसफुली रहना चाहते हैं, हम लोग वेलकम करते हैं बाहर वालों को, मगर यहाँ में जो भी करना है आप लोग शांति से करना है, सही तरीका से डेमोक्रेटिक वैसे करना है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ में गवर्नमेंट से हमारा अपील है, पुलिस डिपार्टमेंट से हमारा अपील है कि यहाँ में जो जितना भी यहाँ में इन्वॉल्व है, यहाँ में जो ये ग्रुप गैदरिंग किया गया है, इसमें जो आदमी जो मास्टरमाइंड है या फिर जो आदमी इन्वॉल्व है, उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करना है। 3 दिन का अल्टीमेटम हम लोग दे रहे हैं, इसका अंदर में अरेस्ट करके जेल के अंदर में डालना है। और ऐसा आदमी को जो यहाँ में एक कैंसर फैलाने का कोशिश कर रहा है अरुणाचल में, एक पीसफुल स्टेट में जो कैंसर फैलाने का कोशिश कर रहा है, ऐसा आदमी को अरुणाचल से डिपोर्ट करना है। यहाँ में ILP लेके आप लोग, ILP में टर्म्स एंड कंडीशन बहुत सारा होता है, उस अकॉर्डिंगली आप लोग को यहाँ में रहना चाहिए पीसफुली। आप लोग को हम लोग अरुणाचल में बिजनेस करने देता है, आप लोग का हम लोग लाइफ को हम लोग यहाँ में बनाता है, आप लोग को फैमिली चलाने के लिए, आप लोग का जिंदगी को चलने के लिए हम लोग यहाँ में मौका देता है। वेयरएज हमारा इतना लोकल्स अनएम्प्लॉयड है, वेयरएज फिर भी हम लोग आप लोग का दुकान से सब्जी खरीद के खाता है, आप लोग का दुकान से कपड़ा खरीद के पहनता है। वो क्यों करता है? क्योंकि हम लोग अंदर कोई कम्युनल फीलिंग नहीं है, आप लोग को हम लोग अपना भाई बंधु मानता है, मगर आप लोग ऐसा क्यों सोचते हो? राजीव गांधी यूनिवर्सिटी इज अ लोन यूनिवर्सिटी ऑफ आर स्टेट, एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हम लोग स्टेट का। एंड हम लोग क्या सोचता है एज ए स्टूडेंट कि ऐसे यूनिवर्सिटी में हम लोग का यहाँ का जो लोकल स्टूडेंट्स है दे शुड बी गिवन फर्स्ट प्रेफरेंस, लेकिन वो चीज़ हमको दिखाई नहीं देता, स्पेशली इन द लेवल्स ऑफ MPhil एंड PhD स्कॉलर्स। ज़्यादातर क्या है कि वी हैव टीचिंग स्टाफ्स आउटसाइड एंड जो वहाँ में जो रिक्रूटमेंट होता है, जो मतलब MPhil जो PhD है उनका हम लोग का अपना स्पेसिफाइड कोटा नहीं है जो रिजर्वेशन होना चाहिए। तो क्या करता है हर एक डिपार्टमेंट में आई कैन सी मेनी ऑफ द नॉन ट्राइबल्स जो है वो हम लोग को स्कॉलर्स बन के अभी RG में पढ़ रहा है, विच इज़ नॉट ए ह्यूमन रिसोर्स फॉर माई स्टेट। हमारा स्टेट का ह्यूमन रिसोर्स नहीं है क्योंकि वो PhD MPhil ख़त्म करेगा, एजुकेशन यहाँ से लेगा, बट ही इज़ गोइंग टू वर्क आउटसाइड, वो कंट्रीब्यूट करने वाला कुछ नहीं है हमारे स्टेट के लिए। सो इसलिए हम बोलता है और हम लोग का जो हम लोग का यंग जनरेशन को अगर एजुकेशन देना है, एक हायर लेवल पे पहुंचाना है,
रिजर्वेशन और प्रेफरेंस मस्ट बी गिवन टू आर लोकल स्टूडेंट. तो उसमें भी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में भी ये पीएचडी और एमफिल स्कॉलर जो हम लोग जब लेता है उसके लिए हमारा रिजर्वेशन होना है. एंड वन मोर थिंग, जो सेंट्रल जॉब जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का है उसमें भी हम लोग का एपीएसटी का कोटा नहीं होता है और रेशियो भी नहीं है. एंड दिस ये चीज़ भी अभी वाइडली सर्कुलेट हो रहा है, कुछ समय से डिबेट पे भी आ रहा है. तो हम लोग को यूजी कैटेगरी में रखता है. तो इसमें भी यही हम लोग का बोलना है कि रिक्वेस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट और जो भी आज ये जो अभी जाएगा मीडिया सर्कुलेशन में जाएगा और मिनिस्टर कंसर्न को भी रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ लुक इनटू द मैटर. जब यूनिवर्सिटी यहाँ खोला है गिव चांस फॉर अपॉर्चुनिटी, जो एम्प्लॉयमेंट का जो अपॉर्चुनिटी है हमारा स्टूडेंट्स को भी दो, हमारे ग्रेजुएट को भी दो. अनएम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट पड़ा हुआ है माया भर्ती, ये एक है.